मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली ब्लॉक भोजीपुरा विलेज पीपल्स थाना चौधरी से हूँ। मेरा नाम अरविंद, मैं उस गांव का बियली हूँ। मेरी पहचान एक सीएससी के रूप में होती है, वहाँ पर लोग मुझे जानते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर अगर है वहाँ पर तो अरविंद कुमार का है। अरविंद जी के पास जाएँ तो वहाँ पर ढेर सारी सर्विसेज जो रेल टिकट से लेकर है या फिर फाइनेंशियली है या फिर किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए है या पासपोर्ट बनवाने के लिए है, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास मैं प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, मेरे सीएससी से जो कुछ प्राप्त किया है मैंने वो उन लोगों को एक इतनी सुविधा अनुसार पहुँचाया उन गांव वालों को कि वो लोग वहाँ पर मैंने अभी वाईफाई का काम स्टार्ट किया है सीएससी पर आया है जब से। एक गांव में हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता था, मोबाइल से बात नहीं हो पाती थी। वहाँ पर क्या हुआ, मैंने वहाँ नेटवर्क स्टार्ट किया अपने वाईफाई से और वहाँ पर उन लोगों के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कराया वाईफाई, जिससे वो लोग अब कहीं पर भी अगर कॉल करते हैं तो वॉइस कॉल करते हैं, जो उनके पास जो उनके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल था क्योंकि नेटवर्क नहीं था उस गांव में। आज वो लोग वॉइस कॉल करके बात करते हैं और मुझे थैंक्स बोलते हैं कि आपके द्वारा हम लोग बात करने में हमारा गांव डिजिटल हो गया है। मुझे गर्व होता है कि मैं सीएससी में हूँ, सीएससी से मेरी पहचान हुई। आज मेरे यहाँ पर सामुदायिक केंद्र है जो MYC है वहाँ उनसे हमारा मिलना बहुत मुश्किल था। आज वो हमें नाम लेकर बोलते हैं, अरविंद जी बताइए आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने हैं। तो ये मेरी एक पहचान सीएससी से इतनी हुई है कि मुझे हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख और MYC जो भी BDO सभी लोग बाय नेम जानते हैं। इतनी पहचान मुझे सीएससी से मिली है, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि डिजिटल अगर कोई भी काम कराना है, कुछ भी पूछना है तो वहाँ जाइए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिलेगी और एकदम सही मिलेगी। तो मैं अपने सीएससी से एक ऐसी पहचान बनाकर उस गांव में बैठा हूँ जिसे मुझे वहाँ पर मैंने अपने यहाँ काम करने के लिए करीब 6 लोगों को रखा है जिसकी सैलरी मैं देता हूँ, अच्छा खासा इनकम हो जाता है, उनको भी सैलरी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी लगाई जाती हैं जिसके द्वारा हम वहाँ के लोगों को फ्री क्लासेस PMG दिशा के द्वारा हम कराते हैं, लोगों को डिजिटल बनाते हैं। वहाँ का कोटेदार है, मैंने उसको डिजिटल बनाया है, अब वो लोग अपने बायोमेट्रिक से लोगों को राशन देता है और वहाँ के जो और भी दुकान वाले हैं वो लोग अपना खाता मेंटेन करते हैं डिजिटली मेंटेन करते हैं। मैंने वहाँ पर ढेर सारी सर्विसेज इस CSC के द्वारा दी गई हैं जो लोग मुझे अब डिजिटल सर्विस सेंटर के नाम से CSC के नाम से जानते हैं।